हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में एलसीएम और एससीएफ के टोटल 25 क्वेश्चंस देखेंगे और एसएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये अपडेटेड क्वेश्चंस है और प्रेजेंट में यही प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग केयरफुली होकर के वीडियो देखिएगा और ये सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगे तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करना है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीन में आपके सामने पहला प्रश्न है, यदि P बराबर 2³ इंटू 5^8 और Q बराबर 3^5 इंटू 7³ है तो P और Q का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दो व्यंजक दिए हैं आपके सामने। देखिए, P बराबर दिया है 2³ इंटू 5^8 और दूसरा व्यंजक दिया है Q। Q बराबर दिया हुआ है, देखिए, 3^5 और इंटू 7³। दो व्यंजक यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। अब P और Q का LCM फाइंड करना है, तो LCM में ध्यान रखेंगे सभी आधार पहले ले लेते हैं, जैसे अलग अलग है। देखिए, 2, 5, 3 और 7, तो यहाँ गुणा कर लेंगे 2 × 5 × 3 × 7 और इनकी फिर पावर लगा देंगे। तो 2³, यहाँ पर देखिए 5^8 है क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है, 3^5 अधिकतम पावर लिखना होता है और 7^3, तो यही इसका LCM हो जाएगा दोनों व्यंजक का टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप लोगों को प्रत्येक सवाल सीखते जाना है, बहुत ही आसान ट्रिक आपको देखने को मिलेगी आगे अभी प्रश्नों में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, यहाँ पर तीन संख्याएं दी हुई हैं, दशमलव संख्याएं, 3.6, 1.8 और 0.144। यहाँ पर आपके सामने तीन दशमलव संख्याएं हैं, तो सबसे पहले इनको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, दशमलव सबसे, देखिए, दशमलव स्थान में सबसे ज़्यादा अंक किस में है, तो तीन संख्याओं में से इस वाले में दिए हुए हैं। तो यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो तीन अंक है तो बटे में एक के बगल में 3 जीरो लगाएंगे, मतलब 1000, 144/1000। यहाँ से भी देखिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक अंक है तो बटे में हो जाएगा एक के बगल में 10, यहाँ पर एक अंक है इसलिए 10 लगा देंगे। यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो देखिए एक अंक है तो बटे में 10 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर तो 3 जीरो है, यहाँ 10 है, तो यहाँ भी 3 जीरो करना है तो 2 जीरो और लगा देंगे। तो जब हर में 2 जीरो लिखेंगे तो अंश में भी 2 जीरो लगाएंगे, तो ये 1800/1000 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, 1000 इसको बनाना 10 से, तो 2 जीरो और लगा देंगे और ऊपर भी अंश में भी 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो हमारे पास देखिए जो संख्याएं आ गई भिन्न में, तो ये 3600/1000 पहली संख्या हो गई और दूसरी हो जाएगी 1800/1000 और तीसरी संख्या हो जाएगी 144, क्योंकि 0.0 पहले लगा है, 144/1000। और इनका LCM फाइंड कर देना है। तो भिन्नों का जब LCM निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकाला जाता है और नीचे वाली संख्याओं का HCF। यहाँ देखिएगा, तो देखिए 144, 1800 और 3600 तीनों संख्याओं का LCM जब आप फाइंड करेंगे तो 3600 आएगा, ऊपर LCM 3600 आएगा और नीचे 1000 1000 1000 है, तो सेम है संख्याएं, तो HCF 1000 ही आएगा, क्योंकि देखिए हर में 1000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर HCF आ जाएगा 1000। अब देखिए, 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर 10 से भाग करना है 36 में, तो जब 0 हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 36/10 को लिख सकते हैं 3.6 और 3.6 ही LCM हो जाएगा जो ये दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3.6। आप लोग पहले बेसिक आप पढ़ लेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। कुछ प्रश्नों में तो ऑप्शन से ही करेंगे आप लोग, और कुछ प्रश्नों में आसान ट्रिक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2880 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, 5, 8, 12, 18 ये जो अनुपात दिया है संख्याओं का, तो 5, 8, 12, 18 का अनुपात दिया है, तो संख्याएं यहीं पर पहले मान लेते हैं कि पहली संख्या 5x, दूसरी हो जाएगी 8x, तीसरी हो जाएगी 12x और चौथी हो जाएगी 18x,
और इन चारों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है प्रश्न में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम देखिए चारों संख्याओं का है 2880, तो यहाँ पर एलसीएम 2880। अब देखिए 5, 8, 12, 18 का एलसीएम, ये यहाँ पर संख्याओं का जब एलसीएम निकालेंगे तो 360 होगा, 5, 8, 12, 18 का एलसीएम हो जाएगा 360, और साथ में अभी x भी लगा हुआ है तो 360x आएगा। इन चारों संख्याओं का एलसीएम 360x बराबर 2880। अब यहाँ पर देखिएगा 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए 8 बार जाएगा, 6, 8, 48 होता है तो 36, 8, 288 लगभग 8 बार, मतलब x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए आप सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है, कह रहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी तो 18x है और सबसे छोटी 5x है, तो जब अंतर निकालेंगे 18 और 5 का तो 13 का अंतर आएगा, मतलब 18x - 5x, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 13x। अब देखिए x की वैल्यू तो 8 फाइंड कर लिए हैं, तो यहाँ पर 13 × जब 8 करेंगे तो 13 × 8 = 104 आएगा, इस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर 104 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इस तरह फाइंड करना है सवालों को। ये सब एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए 2022 और 21 में पूछे गए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो बेसिक से ही लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन आसान ट्रिक से देखिएगा। अब देखिए इस 4 नंबर क्वेश्चन है इसका, चौथा प्रश्न, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 385 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी। जब भी इस तरह का सवाल आए कि अनुपात दे दे दो संख्याओं का, जैसे 7:11 और एलसीएम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 385, तो सबसे पहले आपको निकाल लेना है एचसीएफ। इस कंडीशन पर एचसीएफ पहले फाइंड करेंगे, जब भी अनुपात दिया हो और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम में भाग कर देंगे इन दोनों संख्याओं के गुणा से, मतलब 7 × 11, 7 और 11 का गुणनफल से भाग कर देंगे एलसीएम, एलसीएम मतलब 385 है और अनुपात 7:11 है, तो भाग करेंगे तो देखिए पहले 11 से कैंसिल आउट करते हैं, 11 × 11 यहाँ 11 × 33 तीन बार जाएगा, फिर 5 × 55 हुआ तो 11 × 55, और 7 से काटेंगे 7 × 7 कैंसिल आउट होगा, 7 × 35 एचसीएफ आ गया 5। अब ये जो एचसीएफ आ गया तो इसका गुणा कर देंगे 5 का छोटी वाली संख्या में, तो अनुपात में देखिए 7 छोटी संख्या, तो देखिए इस तरह छोटी संख्या जब निकालना होगा तो छोटी संख्या बराबर एचसीएफ का 7 में गुणा कर देंगे, छोटे वाले अनुपात में देखिए छोटे वाली वैल्यू में, तो 7 × 5 करेंगे तो 7 × 35, छोटी संख्या 35 होगी। यदि बड़ी संख्या पूछा होता तो अनुपात में देखिए बड़ी वैल्यू है 11, तो 5 का ही एचसीएफ का गुणा 11 में कर देते तो 55 हो जाता, 11 × 55। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 35 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो इस तरह फाइंड करना है। देखिए ये तरीके होते हैं सवालों को लगाने के। नेक्स्ट इसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है, यदि 3 संख्याएं 3:5, 5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा। फिर से देखिए अनुपात दे दिया है और एलसीएम दे दिया है, तो यहाँ पर पहले अनुपात देखिए कितना कितना दिया हुआ है, 3:5, 5:7, 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी, और एलसीएम भी यहीं पर दिया हुआ है, देखिए एलसीएम प्रश्न में दिया हुआ है 2415, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ यदि मिल जाएगा तो सोल्यूशन जल्दी होगा। देखिए एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम बटे ये तरीका होता है, एलसीएम की वैल्यू 2415 है, फिर इनका आपस में गुणा करके भाग करना है, तो 3, 5 और 7, 3 × 5 × 7, तो आप कैंसिल आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले कैंसिल आउट करते हैं 3 से 3 × 8 = 24, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 3 × 5 = 15, फिर 5 से कैंसिल आउट करते हैं 5 × 5 = 5, देखिए यहाँ पर 16 × 5 = 80 होता है, 16 और यहाँ पर 1 आएगा, फिर 7 से भी कैंसिल आउट करेंगे 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, मतलब एचसीएफ आ जाएगा 23, इस तरह एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। फिर कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर, मतलब दूसरी संख्या और पहली संख्या का, तो दूसरी 5 है और पहली 3 है अनुपात में, इनका अंतर निकालेंगे तो देखिए अंतर 2 का आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो देखिए अंतर 5 − 3 = 2। अब एक देखिए एचसीएफ यहाँ पर 23 है तो 23 का गुणा कर देंगे इसी 2 के अंतर में, क्योंकि अंतर आ गया 2 का और 23 है एचसीएफ, तो इसी में गुणा कर देंगे, 23 × 2 = 46,
तो ये अंतर आ जाएगा 46 का। इस तरह फाइंड कर लेना है। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है फाइंड करने का। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी नंबर में दिया है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए संख्याएं हैं 2/3, 4/7 और 9/13, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है भिन्नों का। तो जब भी भिन्नों का एलसीएम फाइंड करना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का सभी का एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 9 का, और नीचे वाली संख्याओं का तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा तीनों भिन्नों का। तो देखिए 2, 4, 9 का एलसीएम निकालना है तो 9 तो होगा ही, और इसमें 4 भी शामिल कर लेंगे तो 9 चौको 36, और 2 ऑलरेडी इसमें शामिल है तो 36 आ जाएगा एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का। और नीचे वाली संख्याएं देखिए अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर, 3, 7 और 13 तीनों प्राइम नंबर है। तो 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर हो तो 1 होता है, 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर है तो हमेशा एचसीएफ 1 होता है। मतलब इसका तीनों भिन्नों का एलसीएम आ जाएगा 36/1। इसी को लिख सकते हैं 36/1 की वैल्यू नहीं लिखते नीचे हर में, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे जब 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे और वह 11 से भी भाज्य हो जाए। अब इसको लगाने का देखिए तरीका देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्न को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 15, 18, 36 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 15, 18, 36 तीनों संख्याओं का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका 180 आएगा एलसीएम। देखिए 36 के फैक्टर करेंगे तो 4 नहीं 36 होता है, मतलब 2 दूनी 4 और 9 का मतलब 3 तरह का 9, तो 2 दूनी 4 3 12 3 36, ये 36 के फैक्टर हो गए इतने। अब इसमें 18 भी आ जाए तो 3 तरह का 9 दूनी 18, ऑलरेडी 18 है, और 15 के लिए 3 तो है, 5 की कमी है, तो यहाँ पर 5 का और गुणा करेंगे। तो देखिए इतना 36 था और 5 का गुणा और करेंगे तो 36 × 5 = 180, एलसीएम 180 होगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या होगी, अभी संख्या वो 180 × x, और देखिए यहाँ पर शेष बच रहा था 9, प्रश्न में दिया हुआ है, तो +9, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू रखना है कि गुणा करें 180 से और 9 जोड़ें तो भाग चला जाए, पूरा पूरा बता रहा है कि 11 से विभाज्य हो, प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए 11 से विभाजित भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए x का मान 1 रखेंगे पहले शुरू में, फिर 2 फिर 3, इस तरह से। तो x का जो वैल्यू रखें तो इससे गुणा करके 9 जोड़े तो 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसको और सरल कर लेते हैं, 180 की जगह और छोटी संख्या प्राप्त करना है तो 180 में पहले 11 से भाग कर लेते हैं। देखिएगा 180 भागे पहले 11 करेंगे तो ये जाएगा एक बार 11 एक कम 11, फिर यहाँ 7 बचा, ये 0 हुआ 70। तो 11 देखिएगा 11 6 6 66 6 बार जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, शेष 4 आएगा। तो शेष 4 जो आया तो इसको 180 की जगह रख लेंगे, मतलब कहने का अर्थ हो जाएगा 4 × x हो जाएगा, 4 × x + 9, और भाग करना है 11 से ही। ये चेक करने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं रफ वर्क में, इसको रफ वर्क में आप कर लीजिएगा। अब x की वैल्यू ऐसे रखिए कि आप 4 से गुणा करके 9 जोड़े तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर यदि 4 1 रखते हैं तो 4 1 कम 4 9 4 13, 11 का भाग नहीं जाएगा 13 में। मान लीजिए 2 रखते हैं यहाँ पर तो 4 दूनी 8 और 9 8 17 हो रहा है, 11 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखिए, 4 3 12 12 9 21, 11 का भाग नहीं जाएगा। 4 रखेंगे यहाँ पर x की जगह तो 4 4 16 16 9 25, अभी 11 का भाग नहीं जा रहा। 5 रखेंगे तो 4 5 20 20 9 29, अभी 11 का नहीं जाएगा। 6 रखिए, 4 6 24 और 24 और 9 33 और 11 3 33, यहाँ पर वैल्यू 6 सेट हो रही है, 4 6 24 और 24 और 9 होता है 33। तो अर्थात मतलब ये 11 से 33 कट जाएगा, 11 से विभाजित हो रहा है, तो x की वैल्यू 6। तो यहाँ x की वैल्यू 6 रख देंगे तो देखिए 180 × 6, ये बड़ा मान था 180, इसलिए इसको छोटे मान में कन्वर्ट कर लिए चेक करने के लिए, प्लस ये 9 होगा, यही अभी संख्या हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर 18 6 108 होता है, मतलब ये 10 180 हो जाएगा, 18 6 108
और एक ये जीरो लगाएंगे और प्लस 9 और जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1089। 1080 प्लस 9 करेंगे तो 1089। अब ये संख्या अभीष्ट आपकी 1089 हो गई, लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ये जो संख्या है इसके अंकों का योग, तो देखिए अंकों के योग का जोड़ लेंगे इनको सभी अंकों को, तो जब प्लस करेंगे तो 9, 8, 17, 17, 1, 18 अंकों का योग 18 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है 18। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है इस प्रश्न को। ये आपका रफ वर्क होगा, ये आपको यहाँ पर 180 की जगह जो शेष बचता है उसको रख करके फिर x की वैल्यू आसानी से आप सर्च कर पाएंगे। पहले एक रखते हैं, फिर दो, फिर तीन, ये x की जगह पर आपको सीरियल से वैल्यू रखते जाना है और जो वैल्यू सेट हो जाएगी वही वैल्यू यहाँ पर पुट करके यहाँ पर देखिए 180 × x और प्लस 9 जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी। फिर संख्या के अंकों का योग निकाल लेना। तो इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बेसिक ही सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 7, 11 और 13, यहाँ तीन संख्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा तीन अंकों की कोई भी संख्या लिखें, जैसे एक्स वाई जेड मान लेते हैं, फिर पुनः रिपीट कर दें जैसे एक्स वाई जेड, तो दो बार रिपीट कर दें, तो ये हमेशा 7, 11 और 13 से डिवाइड हो जाती है, तीनों से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपके सामने कौन सा सेट होगा, इस तरह का कोई है कि जो दो बार रिपीट हुआ। हाँ यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन है, मतलब 259 और 259, देखिए दो बार रिपीट किया है पुनः, तो ये 7, 11, 13 तीनों से विभाजित होगी ऐसी संख्या। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 259 259, बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरह फाइंड करते हैं, मतलब तीन अंकों की संख्या को यदि रिपीट कर दे, दोबारा लिख दे, तो ये 7, 11, 13 से डिवाइड हो जाती है, मतलब तीनों से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनका गुणनफल 525 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। सबसे पहले तो जिस तरह दिया है उस तरह पहले वैल्यू लिख लीजिए। दो संख्याओं का यहाँ पर देखिए योगफल दिया है 50, तो माना वो दो संख्याएं a और b हैं, तो a प्लस b बराबर लिख लेंगे 50, और a इंटू बी बराबर दिया है यहीं पर, देखिए उन संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है 525, यहाँ लिखिए 525। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें a माइनस बी और निकाल लेना है। यदि a प्लस बी दिया हुआ है पहला समीकरण, तो a माइनस बी निकाल लें, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो जब योग और अंतर मिल जाएगा संख्याओं का, तो बड़ी और छोटी संख्या निकाल के फिर उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो a माइनस बी कैसे मिलेगा, तो देखिए एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, एक सरसंख्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये याद रखिएगा। जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाता है, और ये माइनस की जगह ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ माइनस 4ab क्योंकि माइनस वाली सरसंख्या लिख रहे हैं। तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी की वैल्यू 50 है, तो 50 का स्क्वायर 25 होगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं माइनस, और a इंटू बी दिया हुआ है देखिए यहाँ पर गुणनफल 525, तो जब 4 × 525 करेंगे तो 4 × 5 = 20, 2025 × 100 = 2100 आएगा यहाँ पर, तो घटाएंगे 2500 में 2100 तो 400 बचेगा, मतलब a माइनस बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 400, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो फाइनली 400 का वर्गमूल आ जाएगा 20। तो a माइनस बी बराबर यहाँ पर 20 प्राप्त हो जाएगा, मतलब a प्लस बी 50, a माइनस बी 20। तो आपको यदि बड़ी वैल्यू निकालना है a बराबर, मान लीजिए पहला मान बड़ा है, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पर 50 और 20 को जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं, बड़ा मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए 50 20 70, और 70 / 2 करेंगे तो बड़ी वैल्यू 35 आ जाएगी। छोटी वैल्यू यदि निकालना है तो इन्हीं को घटा के 2 से भाग करेंगे, 50 - 20/2, तो यहाँ 30 / 2 करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। अब 35 और 15 का एलसीएम निकाल लेना, संख्याएं तो प्राप्त हो गई ये दोनों संख्याएं, तो 35 15 का जब एलसीएम निकालना है तो ऐसी संख्या आपको ढूंढना है देखिए ऑप्शन में, जिसमें 35 का भी भाग चला जाए, 15 दोनों का भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया हुआ है बी, ऑप्शन नंबर बी में 105 होगा एलसीएम, 105 में 35 भी भाग जाएगा और 15 का भी भाग जाएगा, दोनों का जा रहा है, 35 × 105 होता है, 15 × 7 = 105, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा 9 नंबर का। तो इस तरह से फाइंड करेंगे।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बेसिक से ही लगाया जा सकता है, डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं x और y, जहां x इज ग्रेटर देन y है, का लघुत्तम समापवर्तक 253 है, तो संख्याओं x और y का अंतर क्या होगा। इसमें आप एक स्टार करके लिख लीजिए, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। अब चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो अभाज्य संख्याओं का LCM लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं का LCM और गुणनफल बराबर होता है। अभाज्य संख्याओं का LCM उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। तो यदि LCM दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का LCM कितना दिया हुआ है, 253, यहाँ लिख लेंगे 253, तो गुणनफल भी कितना हो जाएगा उन दोनों संख्याओं का, 253, तो दोनों अभाज्य होंगी। तो ऐसी दो संख्याएं पहले ढूंढें कि जिनका गुणा 253 हो, दोनों अभाज्य हों। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 का मल्टीपल है, देखिएगा 11 दूनी 22, पहले दो बार जाएगा, फिर 3 33 हुआ, तो 11 3 33, तो वो दो संख्याएं 11 और 23 होंगी, ये दोनों अभाज्य हैं 11 और 23, तो इनका LCM 253 आएगा, इनका गुणनफल भी 253 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो LCM होगा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो अभी दोनों संख्याएं 11 23 होगी, इनका अंतर फाइंड करना है, तो 3 में 1 घटाएंगे 2 और 2 में 1 घटाएंगे 1, 12 अंतर आएगा दोनों संख्याओं का 12। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, अंतर x और y का 12 होगा, और यहाँ पर कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, ये यहाँ पर x की वैल्यू 23 होगी और y की वैल्यू 11 होगी, तो जब आप 23 में 11 को घटाएंगे तो ये 12 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y दिया है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग x 23 हो जाएगा x की वैल्यू और 11 हो जाएगी y की वैल्यू। तो ये आप स्टार करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, 34 38 85 95 के लघुत्तम समापवर्तक को इन संख्याओं के औसत से विभाजन करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। अच्छा देखिए, इनका पहले LCM निकालना पड़ेगा जो संख्याएं दी हुई हैं, और इन्हीं संख्याओं का एवरेज औसत भी फाइंड करना होगा, फिर औसत से LCM में भाग करना होगा, फिर शेष प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो आप LCM निकालिए, 34 38 85 और 95, यहाँ पर लिख लेंगे 34 38 85 और 95 का LCM पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए LCM के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, 5 से डिवाइड होगा, 19 95 होता है, और इसमें अब 85 भी आ जाए तो 17 का गुणा और कर दीजिए, 5 तो ऑलरेडी है पहले से, 17 पना 85, 38 आ जाए तो 19 है, 2 का गुणा और कर देंगे, 19 दूनी 38, 34 आ जाए तो 34 ऑलरेडी है, 17 दूनी 34, 34 के फैक्टर यहाँ है, तो देखिए 5 और 2 से तो एक शून्य हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, और 19 और 17 का गुणा करेंगे तो देखिए 19 7 133 की 3 हासिल 13, और 19 1 19 10 29 3 32, यहाँ पर हो जाएगा 3230, एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करते हैं तो एक शून्य हो जाता है, 5 2 के गुणा से एक, 5 2 के जोड़े से एक जीरो बन जाता है, 19 17 गुणा करके एक जीरो लगाएंगे तो 3230 तो LCM आ गया। अब इन संख्याओं का औसत निकालना है चारों संख्याओं को, तो एवरेज भी फाइंड कर लेते हैं, तो एवरेज इक्वल टू होगा, देखिए चार संख्याएं तो जोड़ लेंगे, 34 38 85 95 और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इस तरह से इनका एवरेज आ जाएगा। यहाँ पर संख्याएं, सॉरी हाँ, एवरेज ही फाइंड करना है इन संख्याओं का, तो औसत देखिए आ जाएगा, पहले जोड़ लेंगे 5 5 10 10 8 18 4 22 की 2 हासिल 2, 9 8 17 3 20 3 23 2 25 252, भाग करेंगे 4 से, देखिए औसत कितना प्राप्त होता है, तो यहाँ 4 से देखिए 4 1 4 4 6 24 और 12 हुआ तो 4 3 12 63 आ जाएगा एवरेज, औसत 63 आएगा। अब ये जो औसत आ गया 63, तो LCM आ गया 3230, तो भाग करेंगे तो देखिए शेष कितना प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है, तो 3230 में 63 से भाग करना है और शेष फल प्राप्त करना है। तो ये प्रोसेस थी इसकी सवाल की, तो देखिए ये 5 बार जाएगा, 6 5 30 होता है, तो 5 बार में देखिए 315 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 6 का 30 1 31, 315, 63 5 315, माइनस करेंगे 13 में 5 घटाएंगे 8, यहाँ पर 1 में 1 घटाएंगे 0 हासिल ले लिया था इसलिए, और यहाँ पर 0 ही होगा, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा पुनः, तो 80 हो गया। अब 63 1 63 1 बार जाएगा,
आप जब यहाँ माइनस करेंगे 80 में 63 तो 17 वैल्यू आएगी और ये शेषफल 17 ही होगा, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया हुआ है 17, ऐसे फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, एक बड़ी एक ऐसी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 प्राप्त होता है और 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करे। देखिए शेषफल 3 दिया है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको ऑप्शन से सॉल्व कर लेना है। देखिए 493 है पहला ऑप्शन, आप देखिएगा स्क्रीन में, दूसरा है 483 और थर्ड ऑप्शन दिया है 486 और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है 484। तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेना है। ये जो शेष 3 आया तो 3 माइनस कर लेंगे, तो जब 493 में 3 माइनस करेंगे, आप यहाँ से थोड़ा लिखिए इसको 483 और ये 484। आप देखिए 3 पहले माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 490, इसमें भी 3 माइनस कर लेंगे तो यहाँ 480 वैल्यू बचेगी, यहाँ भी 3 माइनस कर लीजिए तो 483 यहाँ पर वैल्यू बचेगी और इसमें 3 माइनस करेंगे तो ये 480 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर 484 था, 484 में 3 घटाएंगे 481। अब संख्याएं देखिए कौन कौन सी है, 4, 5, 6, ऊपर संख्याएं दी है 4, 5 और 6। तो आप पहले तो 5 का मल्टीपल देखेंगे क्योंकि संख्या में 5 है तो इसके एलसीएम में भी 5 होगा, तो मतलब जो भी उत्तर होगा उसमें 5 होगा। तो देखिए 5 से ये दोनों तो डिवाइड नहीं होंगे, 483 और 481, ये 5 का भाग इनमें नहीं जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होगा, ये इन दोनों में भाग जा रहा है 5 का, मतलब 5 इन दोनों में है। अब इसके में देखिए 6 में यदि देखें तो 3 का मल्टीपल, 2 3 6, 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। अब 3 का मल्टीपल देखिए 9 4 13 होता है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग 3 से कटना जरूरी है 3 के मल्टीपल के लिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 4 12 जो कि 3 4 12, यही उत्तर होगा इसका। और ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 483, उत्तर आपका 483 होगा। ये तो चेक करने के लिए माइनस किया जाता है, जो शेष फल होता है उसको पहले घटा लेते हैं और फिर इसके बाद मल्टीपल चेक कर लेते हैं। ये देखिए शेष सभी में घटाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 483 आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं, शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब यहां पर देखिए सवाल इस टाइप से आ गया, 13वां क्वेश्चन है 13 नंबर। 6 घंटियां यहां पर दिया है जो कि कितने कितने मिनट के अंतराल में बजती है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 मिनट, नेक्स्ट देखिए 9 मिनट, 8 मिनट कामा लगा के लिखते जाएंगे, 6 मिनट और 3 मिनट 10 मिनट, 6 3 10। पहले तो इन सब का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम कितना आता है। तो एलसीएम जब फाइंड करेंगे आप लोग 12 9 8 6 3 10, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर बड़ी संख्या 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 4 3 12, पहले इसके गुणनखंड कर लिए। अब इसमें 9 भी आ जाए तो 1 3 की कमी है क्योंकि 3 तो ऑलरेडी है, 3 3 9, 8 भी इसमें शामिल हो जाए तो 2 2 4 है, 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 2 2 4 2 8, 8 भी शामिल हो गया, 6 तो ऑलरेडी है, 2 3 6, 3 भी इसमें है, 10 के लिए 1 5 की कमी है क्योंकि 2 है, 2 5 10, 1 5। तो देखिए ये आपके सामने एलसीएम फाइंड हो गया। अब इसमें देखिए टोटल कितना है एलसीएम, तो यहाँ पर 2 5 से तो 1 0 हो जाएगा और 3 3 9 और 2 2 4, तो 9 4 36 और 1 0 लगाएंगे तो एलसीएम आएगा 360 और 360 ये मिनट है, तो मिनट को आप घंटे में जब कन्वर्ट करेंगे तो 360/60 कर देंगे, तो देखिए घंटे में कितने घंटे आता है एलसीएम, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 6 6 6 36, 6 घंटे आएगा एलसीएम। और यहाँ पर टोटल टाइम 12 घंटे दिया है, देखिए प्रश्न में आपके सामने दिया हुआ है कि 12 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो देखिए यहाँ पर टोटल टाइम दिया है कुल 12 घंटे कुल टाइम, और एलसीएम आ गया आपका 6 घंटे, तो आप बजने की संख्या पूछ रहा है कि कितने बार एक साथ बजेंगी, तो देखिए संख्या निकालना है
तो 12 टोटल टाइम दिया था 12 घंटे, और एलसीएम आ गया 6 घंटे, यूनिट समान है तो भाग कर देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ दो बार एक साथ बजेंगे, इस तरह फाइंड करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, पहले एलसीएम ही फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए यहाँ पर 6, 4, 3 का पहले एलसीएम निकालेंगे, इसका तरीका होता है 6, 4, 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 3 6 के फैक्टर करेंगे, इसमें 4 भी आ जाए तो 2 तो ऑलरेडी है, 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 4 भी शामिल हो गया, और 3 ऑलरेडी मौजूद है इसमें पहले से। तो देखिए 2 3 6 2 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब ये जो संख्या दी हुई है आपके सामने 2495, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, तो पहले 2495 में 12 से भाग करेंगे क्योंकि एलसीएम आ गया है 12। तो देखिए दो बार जाएगा 12 2 24, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो ये तो 0 हुआ, यहाँ पर 9 आ जाएगा तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 यहाँ भी लिखेंगे 0 यहाँ भी लिखेंगे, पुनः माइनस करेंगे तो ये 9 रहेगा, यहाँ 5 आ जाएगा 95। तो अब देखिए 12 7 84 होता है क्योंकि 12 8 96, 6 8 12 में ज़्यादा जाएगा 7 12 में 84। अब यहाँ देखिए घटाएंगे तो ये वैल्यू 5 में 4 1 9 में 8 1, देखिए शेष 11 आ गया। अब कह रहा है कि जोड़ने वाली संख्या कौन सी होगी, क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने वाली जब निकालना होता है तो आपस में इनको माइनस करके निकालते हैं, मतलब जो भाजक है ये 12 है और शेष 11 है, इनको माइनस कर लेते हैं, तो 12 माइनस जब 11 करेंगे तो जोड़ने वाली संख्या 1 होगी, यही आपका उत्तर होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन बेसिक से ही लगाए जाएंगे, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है, 3/7 और 15/18/5 का लघुत्तम स्वापरता कितना होगा। दो भिन्न यहाँ पर दी हैं 3/7 और दूसरी भिन्न है 18/5, इन दोनों भिन्नों का एलसीएम फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए जब भी एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम मतलब 3 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 7 और 5 का, 7 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम 18 और 3 का एलसीएम तो 18 ही होगा क्योंकि बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, तो बड़ी में 3 का भाग जा रहा है देखिए 18 में, और 18 का भी जाएगा तो 18 ही आएगा। और यहाँ पर दोनों अभाज्य संख्याएं देखिए, तो 1 से ज़्यादा यदि अभाज्य संख्या कभी भी दिखे तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है, मतलब 7 5 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 18 C नंबर में दिया हुआ है 18, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित में से प्रत्येक से विभाज्य हो, मतलब 15, 24 और 36 तीनों का भाग भी चला जाए। अब पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 15, 24, 36 का एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं, 15 24 36 पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, लेकिन एलसीएम वो संख्या नहीं होगी। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो बड़ी संख्या के पहले गुणनखंड कर लेते हैं 36 के, तो 4 नहीं 36 होता है, तो 2 2 4 और 9 का मतलब 3 × 3 करेंगे, 3 × 9, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 2 4 3 12 3 36, ये 36 के फैक्टर हो गए। अब इसमें 24 भी आ जाए 24, तो देखिए 2 2 4 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा, 8 3 24, 24 के लिए 1 2 का गुणा और करना पड़ा। इसमें 15 भी इसमें शामिल करना है, तो 15 के लिए देखिए 3 है आपके पास, 1 5 का गुणा और कर देंगे तो 15 भी शामिल हो गया। अब ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये इतना एलसीएम है, लेकिन कह रहा है कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ याद रखिएगा जब भी पूर्ण वर्ग की चर्चा करें तो परफेक्ट स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाते हैं, गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाना, तो देखिए 2 2 के जोड़े बनाइए, तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, देखिए 2 2 के जोड़े बना लेंगे फैक्टर के, और यहाँ 2 और 5 सिंगल सिंगल है, तो यहाँ भी 1 2 का और गुणा कर देंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा, और 5 का भी और गुणा कर देंगे क्योंकि सिंगल 5 था तो ये जोड़ा हो गया। अब इनका जो गुणा आएगा यही उत्तर हो जाएगा,
ये अभीष्ट संख्या हो जाएगी, ये देखिए पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पर दो पाँच से एक जीरो बनता है, जहाँ भी दो पाँच मिलेगा, और यहाँ भी दो पाँच है तो एक जीरो ये हो गया। अब बाकी यहाँ तीन तरह का नौ, अच्छा दो दूनी चार, नौ चौको छत्तीस, छत्तीस और डबल जीरो लगा देंगे तो उत्तर हो जाएगा 3600, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3600 होगा। देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो इस तरह फाइंड करना है, पहले एलसीएम निकालेंगे, लेकिन एलसीएम उत्तर नहीं होगा आपको, फिर गुणनखंडों के फैक्टर के दो दो के जोड़े बनाना है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका गुणा करके फिर इसके बाद टोटल गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3600 आंसर आ गया। 3660 का स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल के रूप में 4 बचता है, लेकिन 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं बचता। इसको ऑप्शन से डायरेक्ट करेंगे 17 नंबर में। ऑप्शन में देखिए 366 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है 634 और तीसरा ऑप्शन देखिएगा 384 और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 364। और यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि 7 से लास्ट में देखिए 7 से भाग करने पर कुछ भी शेष न बचे, मतलब 7 से जब भाग करेंगे तो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो ऑप्शन में देखिए पहले में भाग करिए, पहले 7 से विभाजित होना चाहिए, तो 7 पना 35 फिर 1 16 हुआ तो 7 का भाग नहीं जाएगा, पहली संख्या होगी नहीं क्योंकि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यहाँ 7 नहीं है 63 4 बचेगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 पना 35 फिर 3 34 हुआ तो 7 का भाग जाएगा नहीं। यहाँ देखिए 36 है तो 7 पना 35 और 1 14 हुआ, 7 दूनी 14, इसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो अतः ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो कुछ सवाल तो डायरेक्ट ऐसे चेक कर लेते हैं, ये कहीं कहीं इस तरह भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी है, डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन का सहारा लेकर के। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने स्क्रीन में है, 3, 7 और 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, मतलब 3, 7 और 18 से विभाजित होना चाहिए सबसे छोटा पूर्णांक। तो आपको एलसीएम निकाल देना है 3, 7 और 18 का, 3, 7, 18 का एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए जो एलसीएम आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो पहले बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं एलसीएम के लिए 18 के, तो 2 3 6 3 18 इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें 7 भी आ जाए तो 7 का गुणा कर लेंगे, 7 भी शामिल हो गया क्योंकि 7 नहीं था इसलिए, और 3 ऑलरेडी है तो देखिए इतना तो 18 है, 18 × 7 करेंगे तो 18 × 7 = 126 होता है, तो वह अभी संख्या 126 होगी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है, एलसीएम निकालना है मात्र इनमें। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर भी, वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 से का गुणज हो। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना, 5, 8, 15 का एलसीएम फाइंड कर लेना है मात्र एलसीएम। अब एलसीएम में देखिए 15 के फैक्टर करेंगे बड़ी संख्या के, तो 3 × 5 = 15। अब इसमें 8 भी आ जाए तो देखिए 2 × 2 = 4 × 8, 8 भी शामिल हो गया, 3 × 2 का गुणा कर दिए और 5 ऑलरेडी है तो देखिए 5 और 2 के जोड़े से एक जीरो बन जाता है और 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 और एक जीरो लगाएंगे तो मतलब 120 आ जाएगा। तो 5, 8, 15 का एलसीएम 120 होगा और ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी नंबर में दिया हुआ है, इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर देखिए, जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या यक्ष को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष आता है, लेकिन एक्स 7 से विभाज्य है, 7 से जब भाग करते हैं तो शेष कुछ भी नहीं बचता, मतलब ये हुआ। तो बताएं कि यक्ष में 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले तो वह छोटी छोटी संख्या यक्ष फाइंड करना है, तो इसको देखिएगा सॉल्व करने का तरीका। पहले तो 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम, यहाँ पर संख्याएँ जो दी हैं 12, 16 संख्याएं पहले लिख लेंगे, 12, 16, 18, 20 और 25, इन संख्याओं का पहले एलसीएम फाइंड करना पहला काम। तो जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे 25 के, तरीका है 5 × 5 = 25 एलसीएम निकालने का, और इसमें 20 भी आ जाए तो 20 के लिए 5 तो है ऑलरेडी, 2 × 2 कर देंगे तो 5 × 20, 20 भी शामिल हो गया। 18 आ जाए तो 18 के लिए 2 ऑलरेडी है, 9 का गुणा करना पड़ेगा तो 9 के लिए 3 × 9 फैक्टर करते जाएंगे तो 18 भी शामिल हो गया। 16 के लिए देखिए 2 × 2 = 4, फिर 2 × 8 × 2 = 16, 2 × 2 का और गुणा कर लेंगे तो 16 भी शामिल हो गया। अब 12 ऑलरेडी है, 2 × 2 = 4, 12,
तो कुल मिला के दो पाँच के जोड़े से एक जीरो बन गया, और यहाँ भी दो पाँच का जोड़ा मिला तो दो जीरो हो गए, और यहाँ तीन तरह करना और दो दूनी चार, नौ चौको छत्तीस और डबल जीरो लगाएंगे, एलसीएम आएगा 3600। ये तो एलसीएम हुआ। अब इसके बाद आगे की प्रोसेस देखिए, वो संख्या फाइंड करना है। तो संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3600 इंटू एक्स करेंगे और प्लस ये जो शेष चार बच रहा है, देखिए इसे मैं बता रहा है कि हर स्थिति में शेष चार आए तो उसको जोड़ना है, लेकिन सात से डिवाइड करें तो पूरा पूरा भाग चला जाए, संख्या आपकी ये अंश वाली कहलाएगी, ऊपर वाली। तो देखिएगा अब ये 3600 बड़ा मान है, आपको एक्स का ऐसा मान यहाँ सोचना है और रखना है कि 3600 गुणा करेंगे 3600 से और चार जोड़ें तो सात से भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 3600 को और छोटा करते हैं, देखिए रफ और कर लेंगे, यहाँ 3600 में भाग कर लेंगे यहाँ पर सात से पहले, तो देखिएगा 3600 की जगह कौन संख्या आएगी जो शेष बचेगा। तो देखिए सात पना 35, यहाँ पाँच बार जाएगा, फिर एक बचा ये 10 हुआ तो सात एकम सात, फिर यहाँ पर तीन बचा ये जीरो आएगा, सात चौक 28, मतलब फाइनली यहाँ पर दो शेष आया। ये जो जो दो शेष आया तो इसको आपको रख देना 3600 की जगह, यहाँ पर रखेंगे दो, तो देखिए चेक करने में आसानी हो जाएगी, मतलब दो एक्स हो जाएगा। अब 3600 एक्स ना करके दो एक्स प्लस चार और बटे हो जाएगा सात। अब यहाँ से आप यक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से, देखिए अब यक्स की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। पहले एक रखेंगे तो देखिए दो एक कम दो और चार दो छः, छः में भाग सात का नहीं जाएगा, दो रखिए यहाँ यक्स की जगह तो दो दूनी चार, चार आठ, सात का भाग नहीं जाएगा आठ में। फिर तीन रखेंगे यहाँ यक्स की जगह तो दो त्याई छः, छः चार दस, सात का नहीं जाएगा। चार रखेंगे तो दो चौको आठ और आठ चार बारह, सात का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट पाँच रखेंगे तो दो पंचे दस, दस चार चौदह, सात दूनी चौदह, एक्स की वैल्यू पाँच फिट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पाँच रख दीजिएगा तो देखिए वो अभी संख्या आ जाएगी 3600 इंटू, ये केवल आपको रफ वर्क करना है, इतना ये जो इतना एरिया है केवल एक्स की वैल्यू पता करने के लिए ये कार्य किया जाता है। तो एक्स की वैल्यू पाँच सेट हो गई, 3600 इंटू पाँच और प्लस अभी यहाँ चार, यही आपकी अभी संख्या है। इस सात से कोई मतलब नहीं है, ये सात का भाग पूरा पूरा चला जाएगा जब यहाँ पाँच रखेंगे, ये चेक करने के लिए है मात्र, संख्या आपकी इतनी ही मात्र ऊपर वाली। तो यहाँ पर देखिएगा 3600 पंचे 180 होता है, 3600 पंचे 180 और डबल जीरो और लगाएंगे, 18000 में चार जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 18004। अब कह रहा कि ये जो संख्या आ गई 18004, तो आपको हजार में स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो देखिए इकाई में चार है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में स्थान पर आठ होगा। तो इस तरह से पहले संख्या फाइंड करेंगे फिर हजारवा अंक निकालना है, हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है, तो आठ, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो आपको इस तरह से सर्च कर लेना है। और इसी में देखिएगा 21 नंबर फिर क्वेश्चन है, 20 और 21 सेम क्वेश्चन है, 20 और 21 नंबर सेम इसी तरह सॉल्व करना है। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि यक्स को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं और जब इसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 10 प्राप्त होता है और यह यक्स 31 का गुणांक है, मतलब 31 से भाग करें तो शेष कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो कह रहा है कि यक्स को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, 15, 18, 20 और 27 का एलसीएम फाइंड करते हैं, पहला काम होगा एलसीएम निकालना। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 27, 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 * 9 = 27, इसमें 20 भी शामिल हो जाए तो देखिएगा 2 * 2 = 4 = 20, 20 भी आ गया, 18 भी आ जाए तो 18 के लिए देखिए 3 * 9 = 18 ऑलरेडी है, 15 के लिए देखिए 3 * 5 = 15 ही है, तो अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा एलसीएम। तो 2 * 5 = 1 = 0 हो जाता है और 3 * 9 = 27 * 54, 54 और 1 = 0 लगाएंगे 540 आ गया एलसीएम। अब देखिए वो जो संख्या है, संख्या फाइंड करना है कौन सी होगी, तो ये जो एलसीएम 540 आया तो 540 इंटू एक्स और प्लस यहाँ पर देखिए शेष कुछ बच रहा है तो शेष 10 प्राप्त होता है, प्रश्न में देखिएगा तो यहाँ प्लस 10 करेंगे लेकिन 31 का गुणांक है, मतलब 31 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये संख्या आपकी ऊपर वाली कहलाएगी। अब यक्स का मान ऐसा रखना है कि 540 से गुणा करके 10 जोड़ें तो 31 से डिवाइड हो जाए, तो आप रफ वर्क कर लीजिए, 540 बहुत बड़ी संख्या है, इसको और छोटी संख्या में कन्वर्ट करना है तो 540 में पहले भाग करेंगे 31 से, तो देखिए 31 का एक बार जाएगा, 31 * 1 = 31, फिर यहाँ 4 * 1 = 3, 5 * 3 = 2 और यहाँ 0 = 230 हुआ, फिर यहाँ देखिएगा ये जाएगा 7 बार लगभग, तो 7 * 1 = 7 और 7 * 3 = 21, 217, जब घटाएंगे तो यहाँ 13 वैल्यू आ जाएगी, मतलब शेष आया 13।
तो ये जो शेष 13 आया है तो आप 540 जगह इसको 13 को रख देंगे, तो देखिएगा 13 इंटू एक्स हो जाएगा। अब 13 एक्स हो जाएगा, प्लस 10 है तो यहाँ प्लस 10, ये केवल चेक करने के लिए, x की वैल्यू चेक करने के लिए रेफर कर रहे हैं, और 31 का भाग यहाँ पूरा पूरा चला जाएगा। अब x का मान यहाँ सोचेंगे, देखिए पहले x का मान 1 रखा जाता है, यदि 1 रखेंगे तो 13 एक कम 13, 13 10 23 होता है, तो 31 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखिए, 13 दूनी 26, 26 10 36 भाग नहीं जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 13 3 39 और 10 49 भाग नहीं जाएगा। 4 रखेंगे 13 चौक 52 और 52 10 62 और 62 31 दूनी 62, मतलब यहाँ वैल्यू 4 सेट होगी, x की वैल्यू 4, तो 4 बार में चला जाता है। तो यहाँ भी 4 रख देंगे x की जगह, मतलब 540 इंटू 4 और प्लस अभी ये 10 है, यही आपकी अभीष्ट संख्या होगी। तो पहले ये संख्या निकाल लेते हैं, देखिए कितना प्राप्त हुआ। तो देखिए 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 एक 21, 2160 में जब 10 घटा जोड़ देंगे तो 2170 आ जाएगी, ये वैल्यू प्राप्त हुई। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसमें क्या प्लस कर दें, कितना, जो कि ऑप्शन में आपके दिया हुआ है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये किसके, कौन सी संख्या के वर्ग के पास में है, नज़दीक है। तो देखिए यहाँ पर 40 का स्क्वायर 1600 हो जाता है, तो यहाँ पर है 2100। तो यदि आप 40 का स्क्वायर, सॉरी, यहाँ 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 45 का स्क्वायर 2025 होता है, आपको 47 का स्क्वायर लिखना होगा। तो 47 का जब आप स्क्वायर लिखेंगे, ये 47 की स्क्वायर के नज़दीक है, तो 47 का स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिएगा, 2209 आएगा, 47 का स्क्वायर 2209 आएगा। ये आपके पास 2170 है, लेकिन होना चाहिए 2209 बनाना है, तो कितना प्लस कर दें, तो आप 2209 में 2170 माइनस कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस करने वाली। 9 में 0 घटाएंगे 9, देखिए यहाँ 10 में 7 घटाएंगे 3, और यहाँ पर 1 में घटाएंगे 0, यहाँ भी 0, 39। ये जो जोड़ने वाली अभी संख्या होगी 39 होगी, तो जब 2170 में 39 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 2209। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर है, तो मतलब अभी संख्या 39 जोड़ी जाए, ये 2170 पूर्ण वर्ग नहीं है, जब 39 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2209, जो कि 47 का वर्ग होगा। तो 39 जोड़ना होगा, और ऑप्शन नंबर देखिए इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, आप सामने देखिएगा बी नंबर में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं, सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, तो ये कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन 22 है, तो सबसे पहले तो 3, 5, 8, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 3, 5, 8, 9, 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम देखिएगा ये सेकंड में दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, 2 पंचे 10, इसमें 9 भी आ जाए तो 3 त्रिकोण 9 गुणा कर देंगे, 9 का भी गुणा कर देंगे, 8 आ जाए तो 2 ऑलरेडी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 टू 2 का गुणा और करेंगे तो 8 भी शामिल हो गया, 5 इसमें शामिल है ऑलरेडी और 3 पहले शामिल है। तो देखिए एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, 2 और 5 से एक 0 बन जाएगा, और यहाँ 3 त्रिकोण 9, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, और एक 0 लगाएंगे तो यहाँ 360 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा सेकेंड में, ये सेकेंड में आएगा। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 360 बटे हो जाएगा 60, तो ये वैल्यू हो जाएगी मिनट में, आपकी मिनट में फाइंड हो जाएगी, मिनट में निकालना होगा, 0 0 कैंसिल, 6 6 36 होगा, मतलब ये 6 मिनट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 6 मिनट। तो देखिए ये मिनट में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, 6 मिनट बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी, ऐसे फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसका 23 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिएगा इनका एलसीएम फाइंड कर लेना, जब भी छोटी छोटी बोलेगा, प्रश्न की शुरुआत छोटी छोटी है से है, तो देखिए 4, 5, 8, 10 और 12, इन सभी संख्याओं का एलसीएम मात्र फाइंड कर देना है। तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4 तेई 12, इसमें 10 भी शामिल हो जाए तो 2 तो ऑलरेडी है, 5 का गुणा और कर देंगे तो 10 भी आ गया, 8 शामिल हो जाए तो 2 दूनी 4,
एक दो का गुणा और कर देंगे आठ भी आ गया, और पांच ऑलरेडी है इसमें और चार ऑलरेडी है पहले से मौजूद है, तो कुल मिला के एलसीएम हो जाएगा दो और पांच के जोड़े से एक जीरो बन जाता है, और यहाँ पर दो दूनी चार तीन बारह और एक जीरो लगाएंगे तो 120 आएगा। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, 120 एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5, 6, 8, 10, 12 का पुनः एलसीएम निकाल लेंगे, 5, 6, 8, 10, 12। जब भी छोटी छोटी बोलेगा तो हमेशा इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। अब एलसीएम निकालना, देखिए 12 के फैक्टर कर लेंगे तो 2, 2, 4, 3, 12। एलसीएम में हमेशा बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं। अब इसमें 10 भी आ जाए तो 2 ऑलरेडी है, एक 5 का गुणा और कर देंगे तो 10 भी शामिल हो गया। 8 भी आ जाए, शामिल हो जाए इसमें, तो देखिएगा 2, 2, 4, एक 2 का गुणा और कर लेंगे तो 8 भी इसमें शामिल हो गया। 6 के लिए देखिए 2, 3, 6, 6 ऑलरेडी पहले से है, 5 भी यहाँ मौजूद है। तो देखिए 5 और 2 के जोड़े से एक शून्य बन जाता है, 5 और 2 का जहाँ भी जोड़ा मिलेगा, और 2 दूनी 4 तीन 12 और एक जीरो लगाएंगे तो इसका भी एलसीएम 120 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, सी नंबर में दिया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन इसका देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपके सामने, देखिए स्क्रीन में 25 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 तथा 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। तो इसको तो डायरेक्ट देख लेंगे ऑप्शन से ही, 6 और 5 दोनों से भाग करने पर शेष एक बचे, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है दो अंकों की, हाईएस्ट। तो यहाँ पर देखिए जितनी संख्याएं दी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यदि सी देखें 91, पहले पूरे ऑप्शन लिख लेंगे, 61, 93, 91, 97, 61, 93, 91 और 97। ये कह रहा है सवाल आपके सामने, देखिए लिखा हुआ है कि 6, 5 दोनों से विभाजित करने पर एक शेष बचना चाहिए, 6 से भाग करें, 6, 5 से, शेष दोनों में एक बचना चाहिए दोनों कंडीशन पर। तो देखिए यदि पहला ऑप्शन देखें तो 6 से भाग करेंगे 61 में तो शेष एक आएगा, और 5 से भाग करें 61 में तो शेष एक आएगा, ये तो पहला भी हो सकता है। दूसरे में भाग करेंगे यदि 6 से भाग करेंगे 90 में, ये 93 में, तो शेष 3 बचेगा, क्योंकि 15 छक्का 90, शेष 3 आएगा, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि शेष एक बचना चाहिए। 97 में भी देखिए 6 से जब भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, शेष तो एक बचेगा, लेकिन जब 5 से भाग करेंगे 97 में तो 19 95, शेष 2 बचेगा, जबकि एक बचना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और ये वाली वैल्यू देखिए, यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90, शेष एक बचेगा, 5 से भी भाग करेंगे तो 18 95, शेष एक बचेगा, मतलब दो संख्याएं आपके सामने निकल के आ गई। अब इनमें से कह रहा है कि बड़ी से बड़ी कौन सी होगी दो अंकों की, तो 61 छोटा मान है, ये बड़ा मान है, तो ये भी निगलेक्ट कर देंगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 91। तो इस तरह से इसको फाइंड कर लेते हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही पता कर लिया जाएगा कि 6 और 5 से जब भाग करें तो शेष दोनों स्थिति में एक बचे, लेकिन दो अंकों की बड़ी से बड़ी बोल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें भी देखे फॉलो हो रहा है कंडीशन, लेकिन ये छोटी संख्या है, 61 छोटी संख्या है। तो इस तरह से इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको नेक्स्ट वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से वीडियो फाइंड कर पाएंगे।